चलिए, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। स्टे सेफ, स्टे होम। तो अच्छा, आप क्या बनना चाहते हैं? बोलिए, क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, ITN? आप डॉक्टर? तो क्या बनना चाहते हैं? क्रिकेटर। क्यों? क्रिकेटर कह रहे हैं, क्यों? क्रिकेट क्यों बनना चाह रहे हैं? इंजीनियर, डॉक्टर या क्रिकेटर क्यों बनना चाह रहे हैं? बोलिए, इसमें ज़्यादा पैसे हैं, पैसा खूब कमाएंगे, है ना? तो पैसा खूब कमाने से क्या होगा? पहचान मिलेगा कि आप धोनी जैसे बने, या आप APJ अब्दुल कलाम जैसे बने, बहुत बड़े साइंटिस्ट, बहुत बड़े ITN बने, पैसे कमाए। आज सुन रहे थे सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो जो IIT बॉम्बे में उसने लिया था। IIT बॉम्बे में बच्चों से बोला था, बिगेस्ट लाई ऑफ बिगेस्ट लाई ऑफ ह्यूमन बीइंग इज मनी प्लस रिकॉग्निशन इक्वल टू हैप्पीनेस। मनी और रिकॉग्निशन खुशियाँ नहीं दे सकती, इनहेरेंट है। जिसमें मजा आए आप वो काम कीजिए, मजे से काम करें, खुश रहें। इंटरनली खुशी से आदमी आगे बढ़ता है। A+B इज नॉट इक्वल टू C। मनी प्लस रिकॉग्निशन इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। कितना मजा आता था जिनको मनी से कोई लेना देना नहीं था, अल्बर्ट आइंस्टाइन को, टेस्ला को। उसे सिर्फ इंटरेस्ट था डूबने की, खोने की। तो सक्सेस जो मिलते हैं वह इंटरेस्ट से समर्पित हो जाइए, जिसमें भी आपको मजा आए समर्पित हो जाइए। धोनी एकदम पूरी तरह से समर्पित था क्रिकेट के प्रति। आप देखे हैं उन्हीं का रोल MS धोनी बायोपिक में दिखाया गया था, और वो अपने क्रिकेट से ही खुश रहते थे। TTE का सर्विस किया, उससे खुश नहीं था। और अभी भी जीवन खुश है, डिप्रेस नहीं है। मोर द डिप्रेस इन द माइंड लेस इज सक्सेस। हाँ, सक्सेस अगर पा भी लिया है तो डिप्रेशन से हो सकता है जल्दी ही आदमी इस दुनिया से चले जाए। तो छोटी सी बात हो गई, क्योंकि न्यूज़ था सुशांत सिंह राजपूत के 34 ईयर्स में ही कमिटेड सुसाइड, बहुत गलत है। उन्हीं का स्टेटमेंट था, वो आपसे बताया। अच्छा, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? क्या पढ़ा था? ग्राम एटॉमिक मास हो गया था, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया था, और ग्राम फॉर्मूला वेट, ग्राम फॉर्मूला वेट। उससे ये पता चला था कि अगर एटॉमिक वेट को, यूनिट होता है AMU, एक एटम के लिए, लेकिन जितना एटॉमिक वेट है उतना ही ग्राम तौल करके लिया जाए। जैसे सोडियम का एटॉमिक वेट 23 है, एटॉमिक मास या वेट कहिए, थोड़ा सा डिफरेंस है मास और वेट में, लेकिन एटम के लिए यूजुअली दोनों के लिए एक ही टर्म इस्तेमाल होते हैं।
तो इनका मतलब हम लोग करेंगे 23 एटॉमिक मास है तो यू लगा दीजिए, एक्चुअल एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन 23 ग्राम अगर सोडियम को तौल करके रखेंगे तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। तो इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं चीज़ों को। अगर 23 लिया जाए, 23 ग्राम किसके, सोडियम के, क्यों 23 ग्राम तो सबका ले सकते हैं, 23 ग्राम चीनी का भी ले सकते हैं, सोडियम का क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि सोडियम का एक एटम का जो वजन है वो 23 AMU है, इतना मास है एक एटम का, उतना ही ग्राम जितना एटॉमिक मास है उतना ही ग्राम अगर तौल करके लिया जाए तो इसमें बताइए क्या एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स होंगे। इसी को कह रहे थे ग्राम एटॉमिक मास। और ये एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का क्या नाम था, एवोगाड्रो नंबर जो नंबर है 6.023 × 10⁻²। इतने सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन कर रहे थे 1 मोल। इसका मतलब हम लोग कहेंगे 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 × 10⁻²। अगर एलिमेंट हैं, फॉर एलिमेंट्स जो मान लेते हैं एटम से बना हुआ है, कुछ एलिमेंट आप जानते हो मॉलिक्यूल से बने होते हैं, कुछ एलिमेंट मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, मॉलिक्यूल से भी बने होते हैं, इसका क्या मतलब कि एटम एटम ज्वाइंट हो करके, दो दो एटम ज्वाइंट करके, दो दो के डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना करके रहेगा उसका यूनिट। तो हम लोग कहेंगे एटम अगर एलिमेंट अगर एटम से बना हो तो 1 मोल इतना नंबर तो सब के लिए होता है, 1 मोल ऑफ एटम्स अगर कहा जाए तो इतना एटम्स होंगे, और इसी को बोला जाए 1 ग्राम एटम। अब 1 ग्राम एटम क्यों बोलेंगे इसको बताओ, क्योंकि एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे, एटॉमिक वेट को ग्राम में लिखेंगे, एक एटम के वेट को ग्राम में लिखेंगे, तो एक एटम के वेट को सोडियम के लिए इतना लिखो, यह ना एटॉमिक वेट था ग्राम में लिखा, तो ये ग्राम एटॉमिक वेट है, ग्राम एटॉमिक वेट ये है, ग्राम एटॉमिक मास ही 23 ग्राम है जिसको 1 ग्राम एटम भी बोलेंगे। 1 ग्राम एटम कह दो ना, मोल का जो नाम है वो ग्राम एटम है, सो हम लोग कहेंगे 1 ग्राम एटम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ एटम्स। तो इसका मतलब हम लोग कह दें कि एटमों के मोल का सिनोनिम पर्यायवाची ग्राम एटम जो कितना के बराबर है 6.023 × 10⁻²³ एटम्स के बराबर है, जिसको 1 मोल बोलेंगे, और इसका जो वेट होगा वो एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तब आएगा। आ गया, जिसे कहा जाए 1 ग्राम एटम, एक ग्राम एटम, ए बेटा 1 ग्राम एटम आयरन लाओ कितना लाएगी, अगर 1 ग्राम एटम आयरन का लाया जाए कितना लाओगी, तो कितना 56। क्यों? क्योंकि आयरन का जो है वो एटॉमिक मास 56 है, मान लेते हैं ये Fe है, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक एटम में 56 है, और प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है। अगर हम लोग कह दें कि 1 ग्राम एटम जो 56 ग्राम आयरन का तौल करके रखना है
उसके अंदर आयरन का जो एटम होगा वो 6.023 × 10²³ एटम्स होगा आयरन का, इतना समूह मिल करके, और जो देगा एक मोल। इतने नंबर को एक मोल बोलेंगे। सो मोल इतने ही नंबर का कलेक्शन को बोला जाए। अगर एटम है तो ये कलेक्शन का नाम ग्राम एटम है। इसका आयरन का 56 ग्राम अगर तौल करके रख लेंगे तो कितना एटम, एक एटम या दो एटम, बोलो। तो क्या समझे, कुछ समझ में आ रहा है? अगर हर कुछ किससे, हर एलिमेंट एटम से बना होगा, आयरन एटम से बने हुए हैं, कॉपर एटम से बने हुए हैं, सोडियम एटम से बने हुए हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं, प्योर प्योर सब्सटेंस, तो उनका स्पेसिफिक वजन तौल करके लेंगे तो उसमें एक एटम थोड़ी जाएगा, एक एटम तो दिखाई भी नहीं पड़ता है ना। इसका मतलब अगर आयरन का 56 ग्राम तौल करके लिया जाए तो उसके अंदर 6.023 × 10²³ एटम्स होगा। कितना ये, कितना है ये, इसको गिन के बताओ। तो अगर हम लोग कह देंगे कि आयरन के लिए, आयरन के लिए कैलकुलेशन है, इन जनरल ये सब के लिए है, ऊपर में सोडियम के लिए था, अब कहा जाए कि 6023 इसमें इतना ले लिया जाए, 30 का इस्तेमाल कर चुके हैं पहले, अब 20 और लिख कर दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इतना नंबर का कलेक्शन कहलाएगा वन मोल। इतने नंबर को एक साथ क्या बोलेंगे, मोल, वन मोल। अच्छा, इतना अगर एटम आयरन का हो तो कितना वजन का होगा, कहेंगे 56 ग्राम का होगा, उसको क्या भी बोलेंगे, ग्राम एटम बोलेंगे। अच्छा, अब ये जो नंबर है देखते हैं क्या नंबर होता है। इसमें चार डिजिट तक ये ट्यूशन फी है, 10^3, 10^4, ये 10^4 रेंज का सालाना ट्यूशन फी है, जैसे 50,000, 60,000, 20,000, ये सब ट्यूशन फी हैं। इतना रेंज तक देखते हैं इसका अहमियत क्या। अगर ये 9 तक आ जाए, 10^9 का मतलब 1 बिलियन, कितना 1 मिलियन, 10^6 10 लाख, 1,000 मिलियन का दे तो 1 बिलियन। तो इतना 1 बिलियन लेने 10^9 में, तो ये धरती का उम्र है बिलियन ईयर्स में, बिलियन। आदमी का उम्र कितना होता है, सेंचुरी से तो कम ही होता है, कोई कोई सेंचुरी लगा पाता है, सब तो ज़्यादातर लोग तो सेंचुरी से कम ही लुढ़क जाते हैं, हाफ सेंचुरी पुरते पुरते चले जाते हैं, हाफ सेंचुरी और फुल सेंचुरी के बीच। तो हम लोग कहें ये धरती का उम्र बिलियन में नापते हैं, 10^9। अगर कहा जाए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अगर इतना तक लिया जाए 10^15 के रेंज में, इतना वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर है, इसका मतलब समुद्र का पानी अगर एक तोला जाए, एस्टिमेटेड वैल्यू है साइंटिफिक, समुद्र में जितना लीटर है वो 10^15 रेंज में, समुद्र में जितना पानी है, बहुत पानी है, तो इसका मतलब इस ये नंबर को आप इमेजिन कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा नंबर है, समुद्र में जो पानी है लीटर में है उससे भी बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और इतने सारे एटम, मतलब 6.023 × साइंटिफिक में हम लिखेंगे तो ये 6.022 भी कह सकते हो, 02 कह दो, इंटू 10^ इतना बड़ा नंबर है कि थोड़ा सा क्वांटिटी को इसमें हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर इतने एटम्स का कलेक्शन है तो इसको वन मोल बोलेंगे, तो इसका कितना, इतने सारे एटम्स का वजन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एकदम कैलकुलेटेड वैल्यू है, पीछे साबित भी किए हैं क्या कि ये एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो, जिस एटॉमिक मास को ग्राम में लिखो, एटॉमिक मास एक एटम का वजन यू में लिखते हैं, लेकिन उसी यू को, यू यूनिट को हटा करके ग्राम लगा दिया जाए तो एटॉमिक मास अगर ग्राम में, जैसे 56 यू एक एटम को रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन 56 इतने एटम्स को रिप्रेजेंट करेगा, 56 ग्राम में इतने सारे एटम्स हैं जिसको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, वन मोल। तो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कि अगर कहीं पर भी मोल है तो वो मोल एलिमेंट में, एलिमेंट अगर एटम से बना हो तो ग्राम एटम भी कहलाएगा मोल। अब अगर कहा जाए कन्वर्जन ऑफ मास इंटू मोल, किसी भी मास को मोल में कन्वर्ट करें, तो हम लोग को स्पेसिफिक वैल्यू पता है, अगर एटॉमिक मास को ग्राम में लिखेंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा 6.023 इंटू 10^23 एटम्स को, जिसका वजन एटॉमिक मास को ग्राम लिखेंगे, या इसको मोलर मास भी कहेंगे, एक मोल का वजन, इसको बोलेंगे एक मोल का वजन, मोलर मास। तो मोलर मास का यूनिट क्या होगा, ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। सो इसमें एक मोल है, अब एक ग्राम में बताओ, वन डिवाइडेड बाय एम, इसलिए एक्स ग्राम में बताओ या एम ग्राम में, स्मॉल एम ग्राम में, तो कह देंगे एम डिवाइडेड बाय, यानी क्या मतलब, अगर मास को मोल में बदलना हो तो मास को ग्राम में लिखेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे मोलर मास से। अगर मोलर मास को ग्राम में लिखा ही जाता है, केजी में बदल सकते हैं अपने तरीके से, तो ऊपर में भी केजी में लिखते हैं, मोलर मास केजी यूनिट में, तो ऊपर में केजी यूनिट में, तो वो मास कन्वर्ट हो जाएगा मोल में। क्या समझ में आया कि मोल किस लिए दिया गया, कि मोल एक पर्टिकुलर नंबर का कलेक्शन है, उसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, इतने नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, इसके कलेक्शन को मोल बोलेंगे, जिसका वजन स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब वजन स्पेसिफिक होगा, तो एक मोल का वजन स्पेसिफिक है कि एटॉमिक मास को अगर एटम से बना है तो उसको ग्राम में लिखा जाए। तो जब इतना हम जानते हैं कि एम ग्राम में एक मोल है, कैपिटल एम में मोलर मास एक मोल के बराबर होता है, तो किसी भी वजन में मोल पता चल जाएगा, कन्वर्जन हो गया। ये सब पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे। ठीक उसी तरह से कंपाउंड किसे बने होते हैं बताओ, कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसका मतलब हम लोग कह रहे हैं कोई भी कंपाउंड है, कुछ एलिमेंट के भी बेसिक यूनिट मॉलिक्यूल है ना, कोई भी कंपाउंड, फॉर कंपाउंड्स तो कह दीजिए वन ग्राम मॉलिक्यूल, एक ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब एक ग्राम उस कंपाउंड का नहीं है, बल्कि ये एक मोल है, और एक मोल कितना मॉलिक्यूल का संख्या, एक मोल तो कुछ भी संख्या जो इतना हो, 6.02 या 23 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स है, ऐसा कह दो। अब इसका वेट बता दो, तो ग्राम मॉलिक्यूल इसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को एमयू में लिखते हैं, सब छोटा यूनिट एमयू है, मॉलिक्यूलर मास को किस में लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल का वजन, तो छोटा वजन एमयू, तब उसको ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन वही मॉलिक्यूलर वेट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो सिर्फ नंबर है, उनको ग्राम में लिख दीजिए, तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखने से
किसी भी चीज के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इतना आएगा। इसका मतलब मोल का नाम मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूल है, और इसी मोल का नाम एटम के लिए ग्राम एटम। लेकिन हर मोल का नंबर 6.023 × 10⁻²³ होगा, ठीक है। अच्छा चलो, दूसरा हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमें पता है कि एक मोल इतना नंबर के बराबर है, सो कंपाउंड के लिए भी कहेंगे मोल बराबर मास बाय मोलर मास, या नंबर है तो कहेंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो 6.023 को एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये कितना को रिप्रेजेंट करेगा बताओ, एक मोल को, जिसका वजन भी तो फिक्स है, तो वजन कहेंगे मॉलिकुलर मास को ग्राम में लिखा जाए। तो इनका मतलब ये, अगर मास दिया जाए तो मास से मोल पे आ जाएंगे, तो एम ग्राम, वन मोल तो एक ग्राम, वन बाई एम तो एक्स ग्राम। अगर नंबर दे दिया जाए तो एक किसी भी चीज़ का एक नंबर हो तो मोल का वैल्यू 1/NA मोल, तो एन मोल होगा तो किसी भी चीज़ का एन को डिवाइड कर दें एन ए से। सो मोल का जो वैल्यू आया, अगर नंबर दिया रहे कितना कोई भी सब्सटेंस के अंदर कितना यूनिट है, वो कितने छोटे छोटे पार्टिकल है, तो उसके नंबर को एन ए से डिवाइड कर दें। अगर गैस है तो वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4। अगर गैस हो तो ये तो सबके लिए लागू है, गैस लिक्विड सॉलिड सबके लिए, लेकिन ये स्पेशली यही इक्वेशन किसके लिए, गैस के लिए, कहिए आइडियल गैस, ये आइडियल गैस के लिए लागू है, तो मोल का वैल्यू दे देगा। तो इसका मतलब ये जो मोल है रिलेटेड किससे है, अमाउंट से, मास से, नंबर से। इसका मोल कहने से सब कुछ पता चल जाएगा, उसका मास भी पता चलेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी पता चलेगा, और वॉल्यूम भी पता चलेगा। इसलिए ये मोल ही रखा जाए अमाउंट के लिए। क्यों ऐसा करें, जैसे आपका नाम ऐसा रखा जाए, आपका जो नाम है आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम रखा जाए, कि वो नाम सिर्फ आदमी को आइडेंटिफाई ना करे बल्कि उसके कहाँ का रहने वाला है वो भी आइडेंटिफाई कर दे, कहाँ उसका घर है वो भी आइडेंटिफाई कर दे, जैसे HD देवगुरा, तो उसमें हरदन धली, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उसके उस पूरा अगर तमिल लैंग्वेज में अगर छानबीन किया जाए तो उस पूरा एड्रेस नाम में निकल जाएगा। तो ये तो अच्छा है ना, कि आपसे अगर नाम पूछा जाए तो फिर कहेगा घर कहाँ है, फिर कहेगा आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पिताजी का नाम क्या है, सब कुछ पूछेगा। लेकिन नाम में ही अगर सब कुछ इंक्लूडेड हो तो पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब मूल जो नाम है उसमें सब कुछ इन्वॉल्व है, मास भी है, नंबर भी और वॉल्यूम भी है, है ना। तो इनका मतलब उसी तरह से बताओ आयनिक कंपाउंड के लिए, तो 1 ग्राम फॉर्मूला, एक मूल के नंबर थे और उसमें इतने नंबर ऑफ फॉर्मूला थे, जो फॉर्मूला मास इन ग्राम थे, और सबके लिए बेसिक इक्वेशन एक ही आया था। अब चलो, क्या अर्थ हुआ, मोल इनका मतलब मोल, ये जो मोल है वो सबके लिए एक ही है। इसी मोल का नाम अगर कोई चीज एटम से बना हो तो उसका नाम ग्राम एटम, कोई चीज मॉलिक्यूल से बना हो तो उसका नाम ग्राम मॉलिक्यूल। क्यों, चूंकि मॉलिक्यूल मास को ग्राम में लिखने से एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल पता चलेगा। ये कितने नंबर का कलेक्शन है, तो 6.023 × 10³³ एंटिटीज। अगर किसी भी चीज का आ जाए तो मोल कहा जाता है, ठीक है। तो इनका मतलब हम लोग अगर मास है तो उसको कैसे बदलेंगे, जैसे कहा जाए, अच्छा
ये बताओ 60 केजी आम में कितना दर्जन है बोलो। हाउ मेनी डजन परसेंट इन 60 केजी ऑफ मैंगोज? 5 फाइव है, 5 दर्जन है। 60 केजी है, जब तक नंबर नहीं गिनेंगे आमों की 60 केजी में कितना है, तब तक दर्जन नहीं आएगा। इनका मतलब ठीक उसी तरह से अगर कहीं पर भी नंबर है, नंबर को डिवाइड कर दें 12 से तो तब दर्जन आएगा। तो यहाँ पे कितना से डिवाइड करना है? 1 मोल का नंबर से, है ना? तो 1 मोल का नंबर कितना होता है बताओ? 1 मोल का नंबर को बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। और एक उसी तरह से मास को अगर वही कहा जाए कि अगर एक दर्जन आम, छोटे छोटे आम हैं, उनका वजन अगर 2 केजी है, तब कितना दर्जन होगा? तो कहेंगे तब 60 केजी को 2 केजी से डिवाइड कर दें, है ना? तो इसका मतलब मास को डिवाइड कर दें दर्जन वाला मास से। उसी तरह से मास को डिवाइड कर दें किससे? 1 मोल का वजन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा? तो एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने से या मॉलिकुलर मास को ग्राम में लिखने से। अब ये बताइए मोल में कन्वर्ट हो गया तो इनका मतलब डायरेक्ट किसी कोई भी मास कितना पार्टिकल्स यूनिट से बना होगा। तो डायरेक्ट मास को मोल में बदलिए, फिर इधर जाएंगे नंबर में, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दें एवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए, कहा जाए मास कितना है, तो पहले उस नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में बदलेंगे, फिर उसको उधर ले जाएंगे, तो मोलर मास से इंटू कर दीजिए, मास में बदल जाएगा। उसी तरह से ये चीज अगर कहीं पर भी वॉल्यूम ऑफ गैस है, मतलब वॉल्यूम लीटर यूनिट में एट एसटीपी, एसटीपी पे वॉल्यूम ऑफ गैस है, तो क्या करोगे मोल में कन्वर्ट करने के लिए? 22.4 से डिवाइड कर दोगे, है ना? या मोल है तो कितना से मल्टीप्लाई कर दोगे? 22.4 से। उल्टा चलेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये पूरा क्या आ गया, क्या आ गया बताओ? किसी भी चीज का कन्वर्जन मोल में, या कोई नंबर है तो मास में किसके सारे? मोल के सारे। तो मोल में कन्वर्जन आ गया। मोल बेसिकली ये केमिकल काउंटिंग यूनिट है। केमिकल के लिए केमिकल कितना पार्टिकल से बना है मोल में रिप्रेजेंट कर दें तो पता चल जाएगा। क्योंकि मोल में अगर आ जाने से एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाएगा, छोटे छोटे पार्टिकल कितने बने हैं। तो ये आसान है कितने पार्टिकल से बने हैं, ये केमिकल काउंटिंग यूनिट है, ये एसआई यूनिट के रूप में स्वीकार किया गया, जो कि सब कुछ से रिलेटेड है। अब बताओ सब कुछ आ गया, कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब ये बताओ, फाइंड मोल इन 126 amu ऑफ HNO3। मोल ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, चलो मोल ऑफ ओ एटम्स, चलो बताओ बताओ कैसे बनेगा? दो मिनट के अंदर बताइए कैसे। अच्छा, ये एमयू में है ना, तो इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास भी एमयू लेंगे। एक मॉलिक्यूल जो छोटा सा यूनिट है, इसमें नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन अटैच्ड हैं और 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है ना, तब ना HN, ये नाइट्रोजन, ये O3। तो इनका वजन कितना है बताओ? हाइड्रोजन का 1 MU 14, गिन लीजिए 48 प्लस 14 प्लस 1 63 AMU में कितना ऑक्सीजन? तो कहेंगे 3। यूनिटी मतलब से बना लेना, आसान तो है, 3 एटम है। क्यों कैसा करना चाह रहे हैं? ये मास है ना, AMU में है।
तो इसको ग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय इन्हीं का। चलिए तब ये क्या आ गया, HNO3 कंपाउंड है, मॉलिक्यूल से बने हुए हैं। अब वो छोटा सा जो कण है मॉलिक्यूल में, उनका बनावट, वो बनावटी फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिससे बना हुआ है, वो स्ट्रक्चरल यूनिट का फॉर्मूला है, छोटा सा पार्टिकल। अब वो किससे बने हुए हैं तो फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर देंगे, छोटे छोटे पार्टिकल। अब हमें मोल लाना है, तो मोल में हम पता क्या करना चाह रहे हैं, 126 में हम देखना चाह रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है एमयू में, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबको यूनिटी मेथड से सॉल्व कीजिएगा बेसिक से तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है, अगर टर्निंग ज़्यादा करवाने तो नंबर ऑफ फॉर्मूले तो हैं ही। अब ये बताओ कि एक में कितना, तो एक के लिए डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर दिया। अब 126 में कितना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक के लिए डिवाइड कर देंगे औरों के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितने हो जाएंगे बोलो, 126 है ना, तो 2 से कैंसिल, तो 6 एटम्स आ जाएगा, ऑक्सीजन का 6 एटम, समझे। या कहेंगे कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कहा जाए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 163 में एक मॉलिक्यूल है, पूरे का एक मॉलिक्यूल, तो 126 में दो मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन एटम हैं, तो दो मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऑक्सीजन एटम ऐसे ही आ जाएगा। तो मोल बदलो, मोल में कैसे लाते हैं, अगर नंबर आ गया तो उस नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 ऑक्सीजन का 6 डिवाइडेड बाय Na, तो मोल आ गया, तो कहेंगे इतना मोल ऑक्सीजन एटम है 126 एमयू में। या दूसरा तो कहेंगे मोल ऑफ HNO3 126 को ग्राम में बदलो, 1.66 इंटू 10^-24, समझे, डिवाइडेड बाय क्या, मोलर मास। तो मोलर मास कितना है, तो मॉलिक्यूलर वेट को ग्राम में लिखोगे, सो कितने आ गए, कहेंगे 2 × 1.66 × 10^-24, ये HNO3 का। तो ऑक्सीजन का कितना है, उसका 3 यूनिट ज़्यादा होगा ना, 3 यूनिट, अरे 3 गुना ज़्यादा होगा ना, मोल तो HNO3 का आ गया। सो मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना आ गया, ऑक्सीजन एटम तो 3 × 6 × 1.66 × 10^-24। तो इनके बारे में क्या जानते हो बोलो, इसको अगर नीचे ले जाएंगे, नीचे तो ऐसे नीचे ऐसे, तो किस में बदल जाता है, वही एवोगाड्रो नंबर में, तो कितना आ गया बताओ, एवोगाड्रो नंबर को Na बोलते हैं, ऐसे भी आ गए, ठीक है। आगे बताइए, लास्ट लास्ट अब बताओ, फाइंड मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एट्स 1 kg, 1 kg इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो मोल कितना होगा, सो बताओ। तो कहेंगे मोल बराबर क्या, तो मास को ग्राम में चेंज कर लेंगे, कितना 1000 ग्राम आ गया, डिवाइडेड बाय क्या, इलेक्ट्रॉन का मास, नहीं, इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 × 10^-31 kg, ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो ग्राम में कन्वर्ट हो गए, ये तो मोलर मास थोड़ी हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का हुआ। मोलर मास लाने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, एक मोल का नंबर से गुना करेंगे तभी ना मोलर मास आएगा, तो मास बाय मोलर मास आ गए, सिंपल। या और मेथड बताओ, इसको सॉल्व कर लो,
तो 10^-8 हटिंग हुआ ना, ऊपर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 9.1 × 6.023। दूसरी बात कि 9.1 दूसरा से इंटू 10^-31 kg कुल मिला जुला करके एक इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के छोटे पार्टिकल को। तो एक केजी अगर लिया जाए इसी का, इलेक्ट्रॉन से बने हुए कोई भी चीज़, एक सिर्फ इलेक्ट्रॉन से बने हुए, तो कितना नंबर आएगा, तो 1/, तो ये तो इलेक्ट्रॉन का नंबर है ना एक केजी में, तो नंबर आ गए। तो मोल बताओ, कोई कहीं पर भी किसी चीज़ का मोल नंबर आ जाए तो उस नंबर को कितना से डिवाइड कर देंगे, एक मोल का नंबर को, नंबर को नंबर से, अब मास को मास से, तभी मास को मोलर मास से, अब वॉल्यूम को वॉल्यूम से, समझ आया, मास बाय मोलर मास, नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, और वॉल्यूम बाय 22.4। आसान है ना। चलो आगे बताओ, इलेक्ट्रॉन का नंबर कितने आ गए, इसको ऊपर ले जा, 10^31 / 9.1 × एवोगाड्रो नंबर इतने आ गए, है ना बच्चे। चलो अब बताओ इसी को सॉल्व करेंगे, 10^9.1 × 6.023, तो ऐसे भी आ गए मोल आ गए। अगले क्लास में तो मोल का प्रैक्टिस कुछ हो गया, मोल का कन्वर्जन हो गया, हम लोग अगले क्लास में ये पढ़ेंगे इसी पे और प्रैक्टिस करेंगे कि देखेंगे किसमें कितना मोल है। तत्काल आपको ये छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व करके रखना है, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, छोटे छोटे पार्टिकल जो न्यूक्लियस के अंदर हैं, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स इन 7 mg ऑफ carbon-14। ये बना करके रखिएगा, कमेंट में भी आंसर दें। अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे और इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे, फिर आ जाएंगे हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड। ओके, कैसा आपको लगा ये जरूर हमसे शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक